हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक नाइट जेल का, जो कि है प्लम ब्रांड का। दिस इज़ देयर ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल एंड दिस इज़ फ्रॉम देयर ग्रीन टी रेंज। सो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस जो है वो है 575 रुपीज़, और 575 रुपीज़ में मिलता है हमें 50 ml कंटेंट, विच इज़ एक्चुअली लिटिल बिट प्राइसी। आपको बताना चाहूँगी, प्लम जो है एक इंडियन ब्रांड है एंड दे मेक 100% वेगन प्रोडक्ट, एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रुएलिटी फ्री होते हैं एंड दे आर नॉन कमिटोजेनिक एज वेल। बाकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कुछ ऐसी है। अभी बाहर से इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी आई थी, जो कि मैंने एक्चुअली थ्रो कर दी है बिकॉज इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सो इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, यू कैन सी, एंड दिस इज़ माई थर्ड बॉटल। सो पैकेजिंग कुछ ऐसी है, सिल्वर कलर का इसका लिड है एंड ऐसे ग्लास बॉटल है। और अगर हम इसके जेल की बात करें तो जेल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा थिक है लेकिन ये इजीली जो है स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ऑब्जर्व होने में। और थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी काफ़ी टाइम चलती है। तो 575 रुपीज़ जबकि इसका प्राइस है, बट ये चलता आई थिंक 2 मंथ्स ईजिली ये चल जाता है। और बाकी फ्रेगनेंस की अगर बात करें तो फ्रेगनेंस थोड़ी सी ओवरपावरिंग है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट एब्जॉर्ब होने के बाद फ्रेगनेंस जो है विद इन 2 मिनट्स आई थिंक चली जाती है। सो ज़्यादा टाइम रहती नहीं है फ्रेगनेंस की। सिंस इट इज़ अ ग्लास बॉटल, सो इट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रैवल फ्रेंडली, क्योंकि ग्लास बॉटल्स को जो है ट्रैवलिंग में ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एंड प्लस थोड़ा सा पैकेजिंग जो है अनहाइजीनिक भी है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट ओपन दिस लिड एंड देन यू हैव टू पुट योर फिंगर, सो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। सो जो इनकी ग्रीन टी रेंज है वो बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। वैसे तो मेरे एक्ने नॉर्मली है नहीं, लेकिन थोड़े से मेरे जो फोरहेड पे हैं छोटे छोटे टाइनी बम्स हैं, इसे यूज़ करने के बाद मैं ये बोलूँगी कि वो कम्प्लीटली चले तो नहीं गए, लेकिन यस थोड़ा बहुत मुझे उनके ऊपर मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आया है। प्लस जो ब्लेमिशेज हैं वो उस पर भी अप्लाई करने के बाद 100% तो फेड नहीं हुए हैं, बट यस थोड़े बहुत लिटिल बिट वो भी फेड हुए हैं। एंड प्लस हाइड्रेशन भी ये प्रॉपर देता है, अगर हम स्किन पे इसको लगाते हैं तो अच्छे से इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद जो है मॉर्निंग में उठने के बाद नोटिसेबल जो ग्लो है या फिर इफेक्ट है फेस पे वो भी नज़र आता है। सो ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगी कि दिस इज़ गुड फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, बिकॉज एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा है और नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड नाइट जेल जो कि लाइट हो और अच्छा सा एक मतलब हाइड्रेशन दे या फिर ग्लो दे फेस पे, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू पीपल टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस, बिकॉज दिस इज़ एन इंडियन ब्रांड। जो भी लोग इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, सो प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग टू योर होल फेस। जस्ट पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए, सो दैट अगर आपको कोई भी एलर्जी या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आपकी स्किन पे इस जेल की वजह से, तो वो आपको पता लगे। ऑल राइट, ये था एक क्विक रिव्यू अबाउट दिस नाइट जेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।